बहन के अभी लड़के में, क्या की बहन में मारा ना असला, मारा असला। अरे काय टकले टॉपी चे बिकरे मारणार कुचरा पे तुला। अबे जी बहन के लंड और कुछ ना है करके भाई खेल भाई वैसे ही है वो डेली दुनिया के सबसे नंबर वन क्या कला। अरे वो तू बहन तू बहन के बह रहे हिम्मत है तो जा मार पीछे जाकर मर साइड कर। तू बहन के लंड हैकर औकात नहीं है पबजी खेलने की औकात। जा घर में जा और बर्तन धा। अबे वोट मिलते हैं करके तेरी औकात नहीं है। जा मम्मी के कपड़े धो, जा मम्मी का काम हल्का होगा। तेरी माँ का भोसड़ा तूने बघितला का M4 ने मारलं मशीन गन चा होता का तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। गाइस अपने आ चुके हैं एक और न्यू सोलो का वीडियो लेके। गाइस ये वाले गेम प्ले में एक कहता है हैकर भाई, वो बंदा पूरी लोबी मारता है। आप देखो अपने दोस्त से एंड में मरते हैं, बट ये वाले गेम में अपने भी अच्छे खासे किल करके बढ़िया प्लस निकालते हैं। तो फिर चलते हैं आज के गेम प्ले की तरफ। अब देखो सबसे पहले मैं इवेंट के ऊपर उतरा हूँ, तो इवेंट के ऊपर उतरते ही भाई सबसे पहले मेरी इधर मौत हो जाती है, क्योंकि भाई अपने गन वगैरह तो मिलती है नहीं। तो सबसे पहले नीचे उतरते ही अपने मरते हैं, क्योंकि आप हर बार मारते हैं, आप एक बार मर के भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे को गन मिली होती है इतनी देर में ये बंदा मेरे को मार देता, तो मैं सोचा चलो नीचे चलते हैं, नीचे जाके अपने लूट वगैरह करके और बंदे मारेंगे। तो सबसे पहले नीचे चलते हैं, लूट वगैरह करते हैं, फिर देर से निकलते हैं गाड़ी लेके। एंड गाइस अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे सोलो की डेली वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और भाई आपने पब्लिक का भाई गुस्सा देखा ही था, अभी लोग कैसे गालियां दे रहे हैं। अभी जो जो बंदा हैक करेगा भाई उसको ऐसी गालियां पड़ेंगी, और कोई तो इलाज है नहीं उनका। जाते इनको रिपोर्ट करते रहो, जा इनको गालियां खा बोलते रहो, और कोई तो है नहीं, ये हैक करना छोड़ते ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि भाई बंदों का माइनस होता है, बंदों का देखो गुस्सा तो आता ही है। तो फिर चलते हैं अब यहाँ लूट वगैरह करके जल्दी से, इधर से गाड़ी लेके अपने डायरेक्ट चलते हैं इवेंट के ऊपर। भाई गन वगैरह लेने के बाद अब मैं यहाँ पर, मेरे को बाइक दी जाती है, तो मैं सोचा जल्दी से बाइक लेते हैं। बाइक लेके डायरेक्ट चलते हैं इवेंट के ऊपर और ऊपर जाके किल करते हैं, क्योंकि मेरे पास जीरो किल थे, क्योंकि मेरे को ऊपर एक भी किल नहीं मिला। तो मैं सोचा अब किल तो देखो करना ही पड़ेगा, अगर कॉन्करर लोबी में अगर अपने किल नहीं करेंगे तो अपनों को प्लस तो भाई देखो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला। हाँ अगर आप थोड़ा सर्वाइव करके खेलना चाहते हो तो आप सर्वाइव करके भी खेल सकते हो, अच्छा खासा प्लस एंड जोन में मतलब 15 या 20 का प्लस तो आराम से मिल ही जाता है। तो मैं सोचा जल्दी से अब बाइक निकालो और डायरेक्ट चलते हैं इवेंट के ऊपर। तो भैया इवेंट के आने के बाद भाई सबसे पहले मेरे को यही था कि अगर मेरे को हथौड़ा मिलता है ना तो भाई बढ़िया किल निकाल सकते हैं अपने, क्योंकि हथौड़े की पावर, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपके पास हथौड़ा है तो सबसे बेस्ट है। जैसे कि अभी भी अपने को हथौड़ा ही मिल चुका है, अब बंदे देखते हैं और बंदों को इधर भरते हैं। तो सामने दो बंदों की फाइट हो रही होती है, तो भाई अपने जाते ही ना इन बंदों को मारने लग जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक को एक का किल ले लिया, अब दूसरे का किल लेने का ट्राई करते हैं, तो दूसरे का किल भी अपने को आराम से मिल गया। अब यहाँ पर देखो आते ही अपने को दो किल तो आराम से मिल चुके, क्योंकि हथौड़े की पावर जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये मतलब ये स्नाइपर हो गया, ये हाथ हो गया, मतलब इतने पावरफुल नहीं है ये जितना हथौड़ा है भाई, क्योंकि हथौड़ा बेस्ट है एकदम। भले आप मतलब थर्ड पार्टी करके भी आराम से किल निकाल सकते हो। तभी मैंने हेल्थ वगैरह कर लिया, अब अपने और बंदे देखते हैं फिर उनको मारते हैं। तो भाई इतनी देर में एक और हथौड़ा आ जाता है, तो भाई मैंने सोचा कि मैं तो खाली अटैकिंग के लिए था, तो मैंने स्टार्टिंग में इस बंदे को फायर वगैरह देने लग गया। तब इसकी फाइट में इसको मैंने डैमेज दिया, तो इस बंदे ने वापस हेल्थ लगा ली, बट इसको नहीं पता था कि भी हथौड़ा कवर में भी मारता और वो भी मुझे मारी जाता। एक बार के लिए मेरे को लगा कि मैं इधर मर जाऊँगा, बट उस बंदे की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम थी और अपने उस बंदे को आराम से मार दिया। अब वापस अपने हेल्थ करते हैं और बंदे आने का वेट करते हैं। अब देखो भाई बाहर चल रही है फाइट, तो मैं सोचा कि जल्दी से इधर चलते हैं, इन बंदों को रैंडम ही मारते हैं, कम से कम एक आधा किल तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो बंदों की फाइट हो रही थी। तो इसलिए ये वाला बंदा एक एचपी था और मैंने जैसे इसको मारा और ये बंदा मर गया। अब वहाँ पर एक और आ जाता है, अब ये वाला भाई, ये जो मॉन्स्टर था ना, ये मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ जाता है, मेरे को समझ नहीं आया ये मॉन्स्टर मेरे पीछे क्यों पड़ा।
तो मैं सोचा कि अपने जल्दी से, अब वहाँ पर एक और बंदा आने वाला था तो मैं पहले ही पावर रेडी रखता हूँ। मेरे को लगा कि ये वाला बंदा आएगा तो मैं हैंड टू हैंड पावर इसको मार दूंगा, बट ये बंदा वापस से पीछे चल जाता है। तो फिर अब ये वाले बंदे से फाइट लेते हैं। अब इसको मैंने डैमेज दिया है, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एचपी का बचा है ये, और ये वाला किल भी अपनों को मिल गया। अब यहाँ पर मेरे को डर था कि कोई थर्ड पार्टी ना कर दे मेरे ऊपर, इसलिए मैं जल्दी से हेल्थ लगाता हूँ और आराम से कवर के अंदर बैठता हूँ। अब आप देखो कि भाई अपने 5 किल तो आराम से हो चुके हैं, ठीक है। अब 5 किल होने के बाद मैंने देखा कि जो सामने वाला बॉक्स है ना, इसके अंदर मिलते हैं क्रिस्टल भाई। इसके अंदर कम से कम 20 या 25 क्रिस्टल आराम से मिल जाते हैं। तो ये वाला क्रिस्टल लेने के बाद आराम से इधर से अपने निकलते हैं। अब यहाँ पर मैं ऊपर वाले मॉन्स्टर को मार रहा हूँ तो इतनी देर में पीछे से मेरे एक बंदा आता है भाई। ये वाला बंदा मेरे को स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा डैमेज दे देता है और दूसरी गोली में अपने इसकी मर जाते हैं, और हैंड टू हैंड एक जली भी आ जाती है। तो मैं कहा यार यहाँ पर अपनी फिर से थर्ड पार्टी होगी, क्योंकि अपने इस वक्त मॉन्स्टर से फाइट ले रहे थे। अब अपने नीचे चलते हैं, गाड़ी ढूंढते हैं और डायरेक्ट चलते हैं जोन में, क्योंकि अपने पास इतने सारे क्रिस्टल हैं, अपने आराम से ग्रोजा या कुछ भी मंगवा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी तो देखो मेरे को गाड़ी मिलनी मुश्किल है। तो मैंने देखा कि अब नीचे तो वो बंदा है, वो बंदा मैं आपको बताता हूँ, वो वाला जो बंदा था ना, वो वाला बंदा पहले सामने वाले इवेंट के ऊपर जा रहा था। फिर मैंने देखा कि भाई नीचे ही एक बंदा है भाई, वो वाला बंदा नीचे वाले बंदे को देख के कोई दूसरे इवेंट के ऊपर जाने के लिए निकल गया। तो मैं नीचे जाता हूँ, अपने सामान वगैरह मंगवाते हैं, उसके बाद ये वाले बंदे को ही मारते हैं। दरअसल ये बंदा नहीं होता, दरअसल ये होता है बोट। तो मैं कहा भाई ये वाला फ्री का किल भी अपने को यहाँ पर मिल जाता है। तो सबसे पहले अपने ग्रोजा वगैरह मंगवाते हैं, उसके बाद यहाँ बंदे को मारते हैं। तो पहले अपने सामने वाले बोट को ही मार देते हैं, तो ये वाला बोट का किल भी अपनों को आराम से मिल चुका है। तब इधर चलते हैं, गन वगैरह मंगवाते हैं ग्रोजा, उसके बाद अपने गाड़ी लेके इधर से निकल जाएंगे। तो फिर अब आसपास तो मेरे को गाड़ी मिलती है नहीं, तो मैं इवेंट के ऊपर जाके उधर से एक बग्गी उठा के डायरेक्ट चलता हूँ जोन में। आप देखो जोन में जाने का मतलब ये है कि अगर अपने जोन में जा रहे हैं ना, तो जोन में जाने का मतलब ये है कि अपने की फ़ाइट होएगी होएगी। अब सामने वाला कंपाउंड सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, अगर सामने वाला कंपाउंड मेरे को खाली दिखता है तभी मैं उसके अंदर होल्ड करूँगा, क्योंकि ये वाला कंपाउंड बिल्कुल जोन के बीचों बीच है। तो भाई अब अगर अपने जोन में रुके हैं तो नॉर्मल सी बात है, बंदे भी पुश करेंगे करेंगे, तो उन बंदों को मारने के लिए आप रेडी रहा करो। ये नहीं कि आप जोन में आ जाओ फिर आप आराम से कैंप करके बैठे हो, नहीं ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली बंदा मरता ही मरता है। अगर आप कैंप करके बैठोगे, अगर आप फाइट नहीं लोगे तो आप मरोगे ही मरोगे, इसलिए सामने वाले को पूरा मारने का ट्राई किया करो। तो अपन इधर वेट करते हैं, अगर बंदे वगैरह आते हैं तो उनसे लेते हैं फाइट। तो थोड़ी देर के बाद इधर एक बग्घी आ जाती है, तो ये बग्घी वाले को अपने पकड़ते हैं। ये वाले बंदे को भी भाई देखो अपने ने इजी मार दिया, क्योंकि अपने पास थी ग्रोजा। ग्रोजा की पावर सबको पता है, जैसे ऊपर इवेंट के ऊपर हथौड़े की पावर है, वैसे नीचे ग्राउंड में ग्रोजा की पावर है भाई। तो मैं सोचा कि आप देखो अब ग्रोजा क्लोज रेंज में तो अपने बिल्कुल ही हारने वाले नहीं है, अगर चलती फिरती गाड़ी को अपने ईजी मार सकते हैं। मैंने सोचा सामने वाले को अपने स्मोक करके आराम से लूट वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद अपने आराम से होल्ड करके बैठेंगे, बंदा वगैरह आएगा तो अपने उसको मारेंगे। तो ये वाले बंदे को भी मैंने थोड़ा बहुत फायर दिया। अब ऊपर भी एक बंदा था तो इसको मैं टैप टैप करके फायर दे रहा था, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मेरे को पीक वगैरह ये वाला बंदा दे रहा था। वो वाले बंदे के पास थी SKS भाई, अब उसके पास SKS है तो नॉर्मल सी बात है उसके पास पावरफुल गन है लॉन्ग रेंज के लिए। तो भाई अब जो आस पास जो बग्घी वगैरह जा रही थी मैं उनको भी मारने का ट्राई कर रहा था, बट मैं ज़्यादा देर तक विंडो के ऊपर पीक दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे को कहीं से भी पड़ सकती थी, इसीलिए मैं नॉर्मल होल्ड करके बैठा था। अगर कोई भी बंदा मेरे ऊपर पुश करेगा तभी मैं बंदों को मार सकता हूँ। तो अपने यदि जोन बनने का वेट करते हैं। अब देखो कंटिन्यू 2 जोन तो मेरे पास बन चुके हैं, अब किधर से भी फायर आती है मैं उधर ही बंदे मारने का ट्राई करता हूँ। तो इतनी देर में आ जाती है एक डासिया, तो डासिया वाले को अपने पकड़ते हैं। भाई ये वाला बंदा पता नहीं ओपन में कवर लगा के आराम से लेटने वाला था, इतनी देर में अपनों ने उसको मार दिया। मैं ऊपर देख रहा होता अगर ऊपर वाला बंदा थोड़ा बहुत भी मेरे को पीक देता है तो उसको मारते। इतनी देर में नीचे आ जाती है एक बग्घी, अभी बग्घी वाले को मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, इतनी देर में इस बंदे ने बना ली शील्ड। अब मेरे को डर था कि मैं जोन में कैसे जाऊंगा, क्योंकि ऊपर वाली जो गाड़ी तोड़ी हुई है वो मैंने तोड़ी हुई है। इतनी देर में मेरे को पीछे से फायर आता है और यहाँ पर मैं लिटरली 1 HP बचता हूँ, इसीलिए मैं लंबे समय तक यहाँ पर पीक नहीं दे रहा था।
भी अगर मैं लंबे समय तक पीक दूंगा भी कोई ना कोई मेरे को मार ही देगा। पीछे वाले बंदे को अपने को देखना पड़ेगा, फिर अपने पीछे वाले बंदे को आराम से मारते हैं। अब पीछे वाला बंदा जो था वो मेरे ऊपर कंटिन्यू नेड करने वाला था, तो मैं सोचा जल्दी से इधर से बाहर निकलते हैं और पीछे वाले बंदे से अपने डायरेक्ट फाइट ही ले लेते हैं। तब ये वाले बंदे को अपने पकड़ते हैं, तो ये वाले बंदे को भी अपनों ने इजी मार दिया। अब अपनों को जाना था सामने जोन में। अब मेरे पास गाड़ी तो बिल्कुल नहीं थी और जो पीछे बंदा आया था ये वाला बंदा भी पैदल आया था, तो मैं सोचा अपने स्मोक वगैरह मंगाते हैं, जल्दी से निकलते हैं जोन में, क्योंकि अपने इजी चिकन निकाल सकते हैं। मेरे पास 3 शील्ड है, आराम से जोन टू जोन जाऊंगा मैं, आराम से बंदे मारता हुआ यहाँ पर चिकन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर स्मोक वगैरह मंगवा के आराम से अपनी इधर से निकलते हैं। अब जो लेफ्ट में बंदा था वो लेफ्ट वाले डासिया वाले को तो मैंने मार दिया था, तो मैं देखो अब मैं सामने करता हूँ स्मोक पे स्मोक, क्योंकि यहाँ पर बग्गी वाला भी बंदा था और जो लेफ्ट में शील्ड लगी हुई है वहाँ पर तो कोई बंदा है नहीं। अब मैं इधर से निकल ही रहा हूँ, इतनी देर में मेरे को ऊपर से सिर्फ और सिर्फ 2 गोलियाँ लगती हैं, ये वाला बंदा मेरे को ईजी मार देता है। मगर यार ये वाले बंदा तो मतलब बहुत ही गंदे तरीके से मारा, क्योंकि मैं शील्ड बनाने का भी मेरे को टाइम नहीं मिला। तो भाई ओपोनेंट में मैं ये वाले बंदे को देखता हूँ, भाई ये वाले बंदे की केडी होती है 11 की, तो मैं समझ गया था ये वाला बंदा हैकर है। और देखो ये वाला बंदा सामने वाले को कवर भी मारे जा रहा है और इस बंदे को पड़ रही है ओल पे गालियाँ। तो भाई अब ये वाला गेम अपने इजी चिकन निकाल सकते थे अगर ये वाला गेम में हैकर ना आता। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।